मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। छापेमारी में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद। छापेमारी के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के बीच टकराव। कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर राजनीति तेज। बीजेपी बोली, चोर को चौकीदार से शिकायत है। कमलनाथ बोले, छापेमारी से चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज सुबह 11 बजे जारी करेगी संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर, अयोध्या मथुरा काशी कॉरिडोर, धारा 370, किसानों और बेरोजगारों को लेकर हो सकते हैं वादे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया, थीम सॉन्ग भी लॉन्च। राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी, ट्वीट कर कहा, आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने कहा, बीजेपी छोड़ी तो राजनीति छोड़ दूंगा। पश्चिम बंगाल में अफसरों के ट्रांसफर करने पर चुनाव आयोग का ममता बनर्जी को जवाब, कहा, अधिकारों के तहत अफसरों का ट्रांसफर किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, देर रात बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। और आईपीएल सुपर संडे में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट और कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया।